फूड लीव स्टमक इन इट एंटर्स duodenum. अब duodenum जो है वो स्मॉल intestine के फर्स्ट टेन inches, यानी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर के एरिया को कहते हैं अब में ये वो हिस्सा है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन होती है इसी पार्ट में फूड फर्दर तीन सप्रेशन के साथ मिक्स होता है द फर्स्ट वन इज बायल जो कि लिवर से आता है बाइल जो है वो लिपिड्स की डाइजेशन करता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इमल्सिफिकेशन एमल्सिफिकेशन में ऑयल के ड्रॉपलेट्स को सेपरेट कर लिया जाता है यानी बिगर ड्रॉपलेट्स को स्मॉल में कन्वर्ट करके इनको सेपरेट सेपरेट रखा जाता है दूसरी सिक्रीशन है पेनक्रियाटिक जूस ये पेनक्रिया से आती है और इसमें डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं लाइक ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिट्स रिस्पेक्टिवली फिर तीसरी चीज है इंटरसिनल जूस जो इंटरसेंस में होता है उसमें भी इंजाइम्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड अब ड्यूडिनम के बाद 2.4 मीटर्स का एक लॉन्ग सेक्शन है जिसको हम जजनम बोलते हैं और जो बाकी डाइजेशन है वो जजनम के अंदर होती है लास्ट 3.5 पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग पार्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट इज इलियम उसमें क्या होता है कि एब्जॉर्बशन हो रही होती है उस फूड की जो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है अब इलियम के अंदर सर्कुलर फोल्ड होते हैं उसकी इनर वॉल जो है उसके अंदर सर्कुलर फोर्स बने होते हैं ऐसे ऐसे एक फिंगर लाइक -like, प्रोजेक्शन uh, हो सकती हैं इन फोल्ड्स के अंदर नॉर्मल फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शन जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं विलाय अब विलाय का मकसद है कि इनर वॉल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाए ताकि फूड की अब्जॉर्बशन के लिए ज़्यादा एरिया अवेलेबल हो एंड डाइजेशन इफ़ेक्टिवली हो सके ईच ऑफ दिस विलय हैज़ अलॉट ऑफ ब्लड कैपलरीज और साथ में एक स्ट्रक्चर एक वेजल है फ्रॉम द लिम्फेटिक सिस्टम जिसे हम ब्लैकटेल कहते हैं जो विलाय के वॉल्स हैं वो सिर्फ सिंगल सेल्ड हैं और वो इसलिए हैं ताकि डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स जो हैं जो शूगर्स हैं जो अमाइनो एसिड्स हैं वो इजीली अब्जॉर्ब हो सकें फ्रॉम द विलय ऑफ इंटेस्टाइन टू द ब्लड यानी वो ईजिली उस बैरियर को क्रॉस करके ब्लड में शामिल हो सकें अब ब्लड यहाँ से इन न्यूट्रेंट्स को ले जाता है थ्रू अ अबेन जिसे हम कहते हैं पैटक वोटल बेन और ये ले जाता है सीधा लिवर तक जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है देर जब लीवर के अंदर ब्लड से टॉक्सिंस वगैरह रिमूव किए जाते हैं और जो एक्स्ट्रा फूड है वो लेके स्टोर कर लिया जाता है फिर लीवर से आगे जितनी भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो हैपैटिक वेन के थ्रू हार्ट तक चला जाता है फूड में प्रेजेंट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल इंटेस्टिन के अंदर ही विलाय में मौजूद लैक्टेल में अब्जॉर्व हो जाते हैं लैक्टेल इन्हें ले के मेन लिम्फैटिक डग तक जाता है एंड फ्रॉम देयर दीज एंटर द ब्लड स्ट्रीम यानी कि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं कि लैक्टल जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरोस को अब्जॉर्व करके वो लिफेटिक सिस्टम तक आपके पहुँचा देता है और बाकी चीज़ें लिवर के थ्रू ब्लड में चली जाती हैं आफ्टर द दब्जॉर्बशन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जो भी चीज़ें बच जाती हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं द फर्स्ट वन इज स्काम ये वो है जो टी जंक्शन बनाता है विद द स्मॉल इंटेस्टाइन सेकेंड इज कॉलन एंड द थर्ड वन इज रेक्टम अब कॉलन में जब वाटर एब्जॉर्ब होता है बैक टू द ब्लड जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो रिमेनिंग वेस्ट को हम कहते हैं फीसिस फीसिस में मेजॉरिटी अनडाइजेस्टेड मटीरियल होते हैं बैक्टीरिया होते हैं एलिमेंट्री के नाल के सेल्स वगैरह जो डाइजेशन के दौरान टूट कर उसका हिस्सा बन जाते हैं वो भी उसके अंदर ही शामिल होते हैं साथ में बाइल जो लिवर से स्टमक में आता है वो भी होता है एंड वाटर एज वेल अब फीस जो हैं वो रेक्टम में स्टोर होते हैं जो फर्दर ओपन होता है थ्रू एनस जब रेक्टम फीसिस से भर जाता है तो बॉडी में एक रिफ्लक्स पैदा होता है जिसकी वजह से एनस ओपन होता है फॉर डिफिकेशन अडल्ट्स के अंदर हम ये रिफ्लेक्स कंट्रोल कर सकते हैं यानी वो वॉल्टरी है जबकि बच्चों के अंदर दिस रिफ्लेक्स इज इन वॉलेंटरीली दैट इज़ बाई यंग चिल्ड्रेन कैन नॉट होल्ड देयर फीसिस एंड लेटर ऑन दे आर ट्रेन टू कंट्रोल दिस रिफ्लैक्स ड्यूरिंग ग्रोथ